नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूएस लोगों से जानवरों में फैला कोरोना, 10,000 उदबिलाऊ मरे लक्षण इंसानों जैसे। जी हां, यूएस में लोगों से जानवरों में फैल चुका है कोरोना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमालयनी टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। कोविड-19 से तबाही के बीच अमेरिका के फर फार्म्स में लगभग 10,000 उदबिलाव मिंक मरे हुए पाए गए हैं। इस घटना के बाद एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस के इंसानों से जानवरों में फैलने का दावा भी कर रहे हैं। ये उदबिलाव उटाहा और विस्कॉन्सिन स्थित फर फार्म्स में मरे हुए मिले हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले उटाह में ही तकरीबन 8,000 उदबिलाव की मौत हुई है। बताते चलें कि उदबिलाव को उसके कोमल रोओ के लिए भी जाना जाता है। उटाहा के एक पशु चिकित्सक डॉक्टर डीन टेलर ने CNN के हवाले से कहा, उदबिलाव में ये वायरस सबसे पहले अगस्त में दिखा था। इससे थोड़े दिन पहले जुलाई में यहाँ कुछ फार्म वर्कर्स भी बीमार पड़े थे। शुरुआती रिसर्च बताती है कि कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में फैला था। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि एक्सपर्ट ने अभी तक किसी ऐसे मामले की पुष्टि नहीं की है जहां वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है। डॉक्टर डीन टेलर ने कहा, उटाह में हमने जो कुछ भी देखा उससे यही समझ आता है कि वायरस इंसानों से जानवरों में ही फैला है। ये एक यूनिडायरेक्शनल पाथ की तरह है। उन्होंने आगे बताया कि इस पर फिलहाल टेस्टिंग जारी है। ये समस्या सिर्फ उटाहा तक सीमित नहीं है। विस्कॉन्सिन में अधिकारियों ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने फर फार्म को अनिश्चितकाल के लिए क्वारंटीन कर दिया है जहां मौत के मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले नीदरलैंड, स्पेन और डेनमार्क में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल की नेशनल वेटरनरी सर्विस लेबोरेटरीज ने भी दर्जनों जानवरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर और बाघ जैसे जानवरों में कोविड-19 से संक्रमित होने की बात कही थी। आपको आगे बताते चलें, रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमित उदबिलाव में इंसानों से मिलते जुलते लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं, जैसे सांस में तकलीफ और आंखों के चारों तरफ पपड़ी का जमना। एक अधिकारी ने CNN को बताया कि वायरस यहां बड़ी तेजी से फैला और अगले ही दिन ज्यादातर संक्रमित उदबिलाव की मौत हो गई। उटाहा में अब तक कुल 9 फार्म्स पर उदबिलाव के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। हम अभी भी महामारी की मिडिल स्टेज में हैं। इस साल जुलाई में ही नीदरलैंड में करीब 10,000 मादा उदबिलाव और लगभग 50,000 छोटे उदबिलाव को जानवरों से इंसानों में कोरोना फैलने के डर से मार दिया गया था। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हिमालिनी टेलीविज़न के साथ।